बीरोखालबस हादसे में घायल हुए मरीजों से कोटद्वार बेस अस्पताल मिलने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और हादसे में मरे लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नहीं नीचे क्यों है, सब तो ऊपर ही खींचे उनको। कोताल साहब रात को गए, कोताल साहब यहाँ से गए रात को, इधर आएगा वापस दोबारा मेरे घर जाएगा, तो हम नहीं कर देते हैं। अभी टीम तो बढ़ा दिया है, NDRF भी आ गया है, LDRF का भी 2 टीम आ गया है, कुछ टीम NDRF उधर कुछ भी बुक कर लिया, वो भी आने के समय 2 जगह आ गई है, 2 लगी हुआ है, तो ऐसा लगता है कि अगला 2-3 घंटे के अंदर हम करने की स्थिति में आ जाएंगे। और अभी चार तारीख को शाम को 7:30 बजे एक बस जो है खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें 45 से अधिक व्यक्ति होने की संभावना परिवार के द्वारा मालूम किया गया। इस घटना के बाद जब हमने वहां पर उसको खोजबीन शुरू किया, उसमें SDRF की टीम, पुलिस विभाग की टीम मौके पर खोजबीन शुरू किया, और रात भर खोजबीन करने के दौरान हमें जो है उसमें से 20 घायल व्यक्तियों को निकालने में सफलता मिली। उसमें से एक घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हो रही है, और बाकी जो शेष यात्री थे उस बस में उनका खोजबीन अभी वर्तमान में जारी है। अभी तक 2 शव जो है बरामद किया जा चुका है और अभी और खोजबीन कार्रवाई गतिमान है। में 2 SDRF टीमों को हमने कल रात से यहाँ डिप्लॉय किया था और अन्य जनपदों से भी SDRF टीमों के लिए रिक्वेस्ट किया था। अल्मोड़ा जनपद से और नैनीताल जनपद से हमें 2 SDRF टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं, और रुद्रपुर से भी हम टीम को रिक्वेस्ट किया है, तो वो भी रास्ते पर है, पहुँचने की संभावना है। NDRF टीम को भी कल रात को मोबिलाइज़ किया था, वो आज अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए हैं और उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोपहर तक हम सारे कार्रवाई को संपन्न कराने में सफल हो सकते हैं।